हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। आज हमें सुंदर सा टेबल मैट बनाना सीखेंगे। आप इसको पूजा की थाली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर है। हमने इसमें फ्लावर्स बनाए हैं और ये आप किसी भी कलर से बना के तैयार कर सकते हैं। हमने इसको बनाने के लिए 2 प्लाई की ऊन ली है और हुक नंबर है हमारा 3.0 mm, नंबर में 11 नंबर का हुक है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जो साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करेगा। मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लूप बना देंगे। अब हमें 6 चैन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट और लास्ट वाली को आपस में ज्वाइन करना है स्लिप चैन से। पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे। एक चैन लेनी है। ये हमारे पास एक छोटा सा रिंग बन गया है। अब हमें पफ स्टिच बनानी है। देखिए, लूप बड़ा करेंगे, हुक पे बल लेंगे, एक बार धागा लेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमें फिंगर रखनी है। 2, 3, 4, 4 बार हमने लूप लिए। सारे लूप को एक साथ निकालना है, एक चैन से लॉक करना है और एक चैन गैप के लिए। फिर से हमें 4 बार बल लेना है। 1, 2, 3, 4, सारे लूप एक साथ निकाल देंगे, एक चैन से लॉक करेंगे, एक चैन गैप के लिए। 1, 2, 3, 4, और इसी तरह से हम 10 पफ स्टिच बना के कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। जो हमारा पफ स्टिच है उसके ऊपर देखिए चैन बनी हुई है, वहां पे हुक को डालना है और स्लिप चैन से ज्वाइन कर देना है। एक चैन लेके धागा कट करेंगे, वाइट धागा लेंगे, लूप बना देंगे। देखिए, जहां हमने एक एक चैन का गैप दिया वहां से धागा ज्वाइन करेंगे अपना। 2 लूप है, 2 में से 1 कर देंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशे काउंट होगा। लूप बड़ा करेंगे और 4 बार धागा लेंगे। 1, 2, 3, 4, सारे लूप एक साथ निकालेंगे, एक चैन से लॉक करना है, एक चैन का गैप देना है और सेम जगह पे ही एक और बनाएंगे। एक ही जगह पे हमने 2 बनाए, एक चैन गैप के लिए और नेक्स्ट वाली चैन स्पेस में 2 बार बनाएंगे। फिर से बीच में एक चैन लेनी है हमें। ऐसे बनाते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा पहला पफ स्टिच है उसके ऊपर देखिए चैन बनी हुई है, वहां पे डाल के स्लिप चैन से ज्वाइन कर देंगे राउंड को। पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे और अपना धागा एक चैन के स्पेस में लेके जाना है। 3 चैन लेनी है। 1, 2, 3। अब सेम जगह पे हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। एक हम 3 की चैन को काउंट करेंगे और देखिए बल लेंगे हुक पे, धागा पिक करेंगे, 3 लूप है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे।
देखिए, एक चैन के स्पेस में दो हो गए। आगे जाने के लिए हमें एक चैन लेनी है। अब नेक्स्ट वाले चैन स्पेस में फिर से हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं दो बार, एक दो, एक चैन, दो पफ बने हुए, उसके बीच में भी बनाना है हमें तीन हाफ डबल, सॉरी दो हाफ डबल क्रोशे, एक सेम जगह पे, एक चैन। देखिए इन दो के बीच में बनाना है, फिर एक चैन के स्पेस में बनाना है, फिर दो के बीच में, और बीच में हमें एक एक चैन का गैप देना है। ऐसे बनाते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में तीन चैन ली थी उसकी थर्ड चैन में हुक को डाल के स्लिप चैन से ज्वाइन कर देंगे, और एक चैन लेके धागा कट करना है। एक चैन की स्पेस में से धागा ज्वाइन करेंगे, दो लूप है दो में से एक कर देंगे, लूप को बड़ा करना है, तीन बार बल लेना है, एक दो तीन, सारे लूप एक साथ निकालेंगे, एक चैन से लॉक करना है, एक चैन बीच में लेने के लिए, और सेम जगह पे एक बार और बनाएंगे। देखिए एक दो तीन, एक चैन से लॉक करना है और एक चैन गैप के लिए। और फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमने चार चार बार बल लिए हैं हुक पे, यहाँ पे हमने तीन बार लिया है। देखिए यहाँ पे हमने एक एक चैन का गैप दिया, वहाँ पे हमें बनाने हैं दो दो अब स्टिच बनाना है, दो डबल क्रोशिया, देखिए हाफ डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, फिर एक चैन के स्पेस में, फिर एक चैन के स्पेस में, एक दो तीन, एक चैन से लॉक करेंगे, एक चैन स्पेस के लिए, एक दो तीन, एक चैन स्पेस के लिए। ठीक है, ऐसे बनाते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। पीछे वाले लूप में से निकाल के एक चैन लेके धागा कट करना है, व्हाइट कलर का धागा लेंगे। देखिए एक चैन के स्पेस में धागा लगाना है, जहाँ पे हमारे दो पफ है वहाँ से नहीं लगाएंगे, दो लूप है दो में से एक कर देंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशे काउंट होगा। चार चैन लेनी है, एक दो तीन चार, और नेक्स्ट वाले एक चैन के स्पेस में ज्वाइन करेंगे। ये दो पफ स्टिच है उसके बीच में, देखिए इन दो के बीच में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना है, फिर चार चैन, चार चैन ली, ज्वाइन करा, चार चैन ली, रिज्वाइन करेंगे। ऐसे बनाते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में आके ज्वाइन कर देंगे। जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे हुक को डाल के स्लिप चैन से, देखिए अपना धागा चैन के स्पेस में लेके आना है स्लिप चैन से, सॉरी यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। दो लूप है दो में से एक कर देंगे, लूप बड़ा करेंगे, चार बार धागा लेंगे, एक दो तीन चार, एक चैन, और सेम जगह पे एक और बनाएंगे।
एक दो तीन चार, एक चैन से लॉक करेंगे, एक चैन का गैप देंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक चैन का गैप। देखिए बीच में भी हमें एक चैन लेनी है और इन दोनों के बीच में भी हमें एक चैन का गैप देना है। ऐसे बनाते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। एक चैन के स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार, एक चैन से लॉक करेंगे। अब हमें देखिए एक एक पफ स्टिच बनाना है सभी चैन स्पेस में। एक बनाया, फिर नेक्स्ट वाले एक चैन के स्पेस में बनाएंगे, एक दो तीन चार, एक चैन से लॉक करेंगे। इन दो के बीच में भी एक बनाना है, सभी जगह पे हमें एक बार बनाना है। ऐसे बनाते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। एक दो, दो हमारी वाइट कलर से हो गई, एक और हमें बनानी है। जैसे हमने ये दो दूसरी रो बनाई है वाइट कलर से, वैसे हमें रिपीट करनी है। एक चैन के स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लूप बड़ा करेंगे और चार बार बन लेंगे। सभी चैन के स्पेस में हमें एक एक बनाना है। ऐसे बनाते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। स्लिप चैन से धागा लेके जाएंगे, थ्री चैन लेनी है और सेम जगह पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तीन रुपए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, एक चैन लेनी है और नेक्स्ट वाले एक चैन के स्पेस में दो हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। एक चैन, नेक्स्ट वाले चैन स्पेस में दो हाफ डबल क्रोशिया। और फ्रेंड्स, अगर आपका देखिए यहाँ पे झोल आता है तो आप दो की जगह तीन डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। हाफ जैसे आपका यूं सिकुड़ रहा हो तो आप दो की जगह तीन भी बना सकते हैं और एक एक चैन का गैप ले सकते हैं। देखिए हमने दो बनाए, एक चैन का गैप देंगे और नेक्स्ट वाले में फिर से दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, क्योंकि काफ़ी लोगों का हाथ टाइट होता है, काफ़ी लोगों का हाथ ढीला होता है, जिसकी वजह से ये झोल भी आ सकता है या खिंचाव भी आ सकता है। ऐसे बनाते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है। तीन चैन ले, उसकी थर्ड चैन में लाके हुक को ज्वाइन कर देंगे। एक चैन लेके धागा कट करना है। हमने देखिए धागा स्टार्ट कर दिया है, जी हमने एक एक चैन का गैप दिया, वहाँ पे हमने दो दो पफ स्टिच बनाए, जैसे कि हमने यहाँ बनाए थे। एक चैन का गैप ले लिया और देखिए एक चैन के स्पेस में फिर से तीन बार देखिए धागे लेंगे, एक दो तीन बार धागा लेना है, सारे लूप एक साथ निकालने हैं।
एक चैन से लॉक करेंगे, एक चैन का गैप और सेम जगह पे एक और बनाएंगे, एक दो तीन। सभी चैन के अंदर से हमें दो दो पफ स्टिच बनाने हैं और इसी तरह से हम रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने रो बना के कंप्लीट कर लिए। वाइट धागा लेंगे अपना, एक चैन के स्पेस में से धागा ज्वाइन करेंगे, दो लूप है दो में से एक कर देंगे, दो लूप है दो में से एक कर देंगे। चार चैन लेनी है और नेक्स्ट वाले एक चैन के स्पेस में ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये दो पफ स्टिच एक साथ है, बीच में एक चैन का गैप था, इन दोनों के बीच में वहां पे हमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशे से। चार चैन, जैसे कि हमने यहाँ बनाया था उसी तरह से हम यहाँ बना के कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। चार चैन के स्पेस में धागा लेके जाएंगे सिंगल क्रोशे से। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें देखिए ये तीन हमारी जो वाइट कलर की रो है, एक दो तीन, वो हमें रिपीट करनी है फिर से। जो हमने ये चैन स्पेस बनाए हैं इसमें हमें पहले दो दो पब स्टिच बनाना है, जैसे कि हमने यहाँ बनाया है, एक साथ दो बनाने हैं, फिर बीच में एक चैन का गैप देना है, फिर दूसरे वाले में दो बनाने हैं, फिर एक चैन, फिर दो, इसी तरह से हमें बनाना है। और सेकेंड रो में हमें सभी चैन के स्पेस में एक एक बनाना है, थर्ड वाले में भी हमें एक एक बनाना है। ऐसे ही मैं तीन रो बना के कंप्लीट कर लूँगी। हमने देखी तीन रो बना के कंप्लीट कर लिए, एक चैन के स्पेस में धागा लेके आएंगे स्लिप चैन से, थ्री चैन लेनी है, वन टू थ्री। सेम जगह पे हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है, तीन लूप है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, एक चैन और फिर से एक चैन के स्पेस में दो हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो, एक चैन दो हाफ डबल क्रोशे, एक दो, एक चैन ऐसे बनाते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे। ग्रीन धागा ज्वाइन कर लिया है मैंने। देखिए जो हमारी एक एक चैन का स्पेस है, दो हाफ डबल क्रोशे के बाद एक चैन है, वहाँ पे हमें एक एक पफ स्टिच बनाना है। तीन बार धागा लेंगे, नीचे हमने दो दो बार बनाए थे, इधर भी हमने दो बार बनाया है, ऊपर आके हम एक एक बनाएंगे। सभी चैन के अंदर से एक एक हमें पफ स्टिच बनाना है। ऐसे ही बनाते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें फ्लावर बनाने हैं। देखिए जो हमने ये पेटल बनाई है ग्रीन कलर की, उस पे बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हुक डालेंगे, इन दो के बीच में से हुक डालेंगे और यहाँ यहाँ को निकालेंगे और सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे धागे को। चार चैन लेनी है, एक दो तीन चार। ये देखिए जो नेक्स्ट वाला है हमारा, यहाँ से हुक डाल के सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे, फिर चार चैन, एक दो तीन चार। फिर नेक्स्ट वाले में हमें ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ से जो ये वाला स्पेस है, यहाँ से हुक निकालना है हमें,
दो लूप है, दो में से एक कर देंगे, चार चैन, एक दो तीन चार, इस तरह से हमारे लूप बन जाएंगे। ऐसे हम सारे लूप बना लेंगे, लास्ट में ज्वाइन करेंगे जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है उसमें हुक को डालेंगे और स्लिप चैन से ज्वाइन कर देंगे। अपना धागा देके लूप में लेके आएंगे, दो लूप है, दो में से एक कर देंगे, सिंगल क्रोशिया बना दिया हमने। अब हमें यहाँ पे फ्लावर बनाना है, देखिए लूप बड़ा करेंगे, तीन बार बल लेंगे हुक पे, एक दो तीन, सारे लूप एक साथ निकालेंगे, एक चैन से लॉक करना है। यहाँ पे हमें चैन नहीं लेनी है और यहाँ पे छः बार हमें पफ बनाना है, एक बार हमने बना दिया है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, देखिए एक दो तीन चार पाँच, एक और बनाएंगे, छह टाइम बनाना है हमें, एक दो तीन, छह बार बना दिया हमने। और फ्रेंड्स अगर आपकी ऊन मोटी हो तो आप छह की जगह पांच बार भी बना सकते हैं, हमने छह बार बनाया है और तीन तीन बार हमें वो धागे लेना है। अब देखिए एक लूप छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले लूप में बनाना है, छह हमने पप स्टिच बनाने के बाद एक चैन लेनी है, एक चैन लेनी है हमें, छह पप स्टिच बनाने के बाद एक चैन लेनी है, एक लूप को छोड़ना है और जो नेक्स्ट वाला लूप है वहाँ पे हमें छह पप स्टिच बनाना है और ऐसे हम बना लेंगे। लास्ट में ज्वाइन कर देंगे, एक चैन लेके धागा कट करना है। ये देखिए कितने, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस फ्लावर आए। वाइट धागा लेंगे, अब हमें इनकी किनारे बनानी है। देखिए जो हमारा हमने देखिए एक लूप नीचे छोड़ा है वहाँ से हुक डालना है हमें, देखिए यहाँ से हुक डालेंगे और दोनों लूप देखिए जो बीच में एक चैन है हमारी और ये नीचे का लूप है, इन दोनों को साथ में लेके एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, दो लूप है, दो में से एक कर देंगे। फिर से देखिए फ्रेंड्स, देखिए एक सिंगल क्रोशिया बना दिया हमने और जो नीचे का लूप था वो देखिए इसके साथ हमारा अटैच हो गया है। एक चैन लेनी है और जो हमारा पहला पफ स्टिच है वहाँ पे देखिए हुक को डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक चैन। अब एक पफ के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हमें हुक डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन, फिर पफ के ऊपर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन लेनी है, फिर बीच में बनाना है एक चैन, जो पफ के ऊपर हमारी चैन बनी हुई है वहाँ से भी बनाना है। ये देखिए दो लूप है, दो में से एक कर देंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन लेनी है, फिर दो पफ के बीच में बनाना है हमें एक चैन, एक चैन,
एक चैन लेनी है। ये देखिए दो लूप है, दो में से एक कर देंगे। और लास्ट में भी हमें एक चैन लेनी है। इस तरह से इसकी किनारी बन जाएगी। किनारी बनाना काफ़ी आसान है फ्रेंड्स। अब देखिए हुक हमें इसके नीचे से डालना है। ऐसे हुक को डाल के इन दोनों को साथ में लेके दो लूप है, दो में से एक कर देंगे। फिर एक चैन लेनी है, फिर जो पहला पफ स्टिच है वहाँ से हुक डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन, फिर इन दोनों के बीच में हुक को डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और बीच में हमें एक एक चैन लेनी है। एक चैन लेनी है, फिर इन दोनों को देखिए नीचे से हुक डालेंगे। इन दोनों को आपस में देखिए इस तरह से लेके आएंगे, दो लूप पे दो में से एक कर देंगे एक चैन। ऐसे ही सभी में किनारी बना के कंप्लीट करना है। देखिए हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया था फ्लावर। अब हमें ये पीला कलर लगाया हमने। देखिए लूप बनाने हैं फिर से, जैसे हमने यहाँ पे लूप बनाए थे। चार चैन लेनी है, एक दो तीन चार। और जो नेक्स्ट वाला पफ स्टिच है देखिए इसको छोड़ेंगे, इसमें यहाँ से हुक डालना है और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। चार चैन, देखिए इस वाले को अब छोड़ देंगे और इधर ज्वाइन करेंगे। ऐसे बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने सभी में लूप बना दिया है। लूप बड़ा करेंगे, तीन बार धागा लेंगे। बीच में चैन नहीं लेनी है हमें इसमें। देखिए छह छह पफ स्टिच बनाएंगे, फिर एक लूप छोड़ देंगे। फिर यहाँ बनानी है, एक छोड़ के एक बनाना है। एक छोड़ेंगे दूसरे में बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया वैसे ही सेम बनेगा यहाँ पे भी। हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे किनारी बनाई थी वाइट कलर से, वो हमने चेंज करी है। वो हटा के हमने दोबारा से किनारी बनाई है सभी में। उस किनारी की वजह से देखिए जो ये दो फ्लावर है वो देखिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ रहे थे, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखिए सारे फ्लावर अलग अलग है, ये देखने में सुंदर लग रहे हैं। जब मैं यहाँ पे फ्लावर बनाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्या चेंज करा है। चलिए अब धागा ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे अपना लूप बना देंगे। कहीं से भी धागा ज्वाइन कर लेंगे एक चैन के स्पेस में, स्लिप चैन से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन लूप है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। एक चैन लेनी है और सेम जगह पे ही एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तीन लूप है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन ली और सेम जगह पे ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। थ्री चैन लेनी है, वन टू थ्री। और जो नेक्स्ट वाला स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है इस तरह से। एक चैन, सॉरी तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तीन चैन, एक दो तीन। अब दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, बल लेंगे हुक पे। तीन लूप पे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे।
बीच में एक चैन का गैप देना है दो के बीच में, और फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए दो हाफ डबल क्रोशिया बनाए, तीन चैन ली, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया, तीन चैन ली, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर तीन चैन लेके दो हाफ डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पे हमने दो सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, फिर तीन चैन, एक दो तीन, दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार बना दिया, अब तीन चैन लेनी है। नेक्स्ट वाले में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चैन, अब दो हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक एक बनाने के बाद एक चैन लेनी है हमें, और फिर से तीनों लूप एक साथ निकाल देंगे। देखिए किनारे बनाने के बाद धागा कट कर लेना है, लूप बना देंगे। और देखिए धागा हमें कहाँ से ज्वाइन करना है, देखिए ये दो हमारे हाफ डबल क्रोसी है, फिर उसके बाद देखिए हमारे एक लूप, दो तीन, तीन लूप बने हुए हैं, और फिर से दो हाफ डबल क्रोसी है। जो हम हमारा पहला लूप है उसको छोड़ देंगे, दूसरे वाले लूप में धागा ज्वाइन करेंगे, और तीसरा वाला लूप ऐसे छोड़ देंगे। जो हाफ डबल क्रोसे के पास जो लूप है उन दोनों को छोड़ देंगे, दोनों साइड को, एक इधर का एक इधर का, और जो बीच वाला लूप है वहां से धागा ज्वाइन करना है हमें, यहां से। पहला छोड़ देंगे, दूसरे वाले में ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशे से, लूप बड़ा करेंगे, पफ बनाना है हमें, एक दो तीन, छह बार बना लेंगे। अब देखिए हमें कहाँ बनाना है दूसरा फ्लावर, देखिए इसके साथ वाला ये वाला लूप छोड़ेंगे, और जो दूसरा लूप है यहाँ बनाएंगे, ये दो हाफ डबल क्रोसी है, उसके बाद ये इसके साथ वाला लूप छोड़ देंगे, और दूसरे वाले में बनाना है। देखिए इन दोनों के साथ हमारा हर बारी छूट जाएगा, और जो बीच का रहेगा वहाँ बनाना है। पहले हमें एक चैन लेनी है, दूसरे वाले लूप को देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, और फिर बना देंगे, एक दो तीन, बनाने के बाद एक चैन लेनी है, और फिर से दूसरा लूप है वहां पे बनाएंगे, ऐसे बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमें धागा यहाँ से ज्वाइन करना है, जो हमारे दो हाफ डबल क्रोसी है उसके बीच में हमने एक चैन का गैप दिया था, यहाँ से धागा डालेंगे। देखिए यहाँ से डालेंगे और एक सिंगल क्रोसिया बना देंगे, और ऊपर वाले लूप को और नीचे वाले लूप को देखिए एक साथ ज्वाइन करना है इस तरह से, दोनों पे दो में से एक कर देंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। एक चैन लेनी है, अब इसके ऊपर हमें किनारी बनानी है। एक चैन लेने के बाद जो हमारा पहला पफ स्टिच है उसकी ऊपर वाली चैन में हुक को डालना है, और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, एक चैन, फिर दूसरा वाला पफ स्टिच है उसके ऊपर की चैन में डालना है हुक को, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, तीसरे वाले पे भी एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, और बीच में एक चैन का गैप देना है।
देखिए ऐसे हमने देखिए सभी में किनारे बनाई है। इसी तरह से सब पप जो हमारे सारे पप स्टिच है उसके ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया है और बीच में एक एक चैन ली है। लास्ट में आके हमें एक चैन लेनी है और जो हमारे ये दो हाफ डबल क्रोशिया उसके बीच में चैन बनी हुई हमारी, यहाँ से हुक को डालना है, पीछे से निकालना है इस तरह से और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चैन, फिर वैसे ही बनाना है एक सिंगल क्रोशिया, बीच में एक चैन का गैप। देखिए स्पेस में से नहीं बनाना है हमें, जो हमारा ये पफ है उसके ऊपर देखिए चैन बनी हुई है हमारी, यहाँ से हुक को डालना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन। ऐसे ही हम सभी में किनारी बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा टेबल मैट बन के तैयार हो गया और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। आप भी इसको घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।